गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पिंकी सैनी बॉटनी से। लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग्स के बारे में कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन देख चुके थे। आज अपन नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में आप सब जानते ही हो कि मानव के अंदर भी गुणसूत्र की संख्या एक फिक्स होती है, जो 46 होती है। हर एक प्लांट्स के अंदर, हर एक एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, मतलब प्रकृति में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन तक में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अगर उन क्रोमोसोम्स की संख्या में माइनर परिवर्तन भी हो जाता है या क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित जीन्स में भी अगर एक्सचेंज भी हो जाता है या उनमें से कोई टूट करके हट जाता है या किसी में डुप्लीकेशन हो जाता है, तो मानव का जो नेचर है उसमें, मानव की जो बॉडी है उसमें, मानव की पूरी प्रकृति ही क्या चेंज हो जाती है, उसके कारण परिवर्तित हो जाती है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर होने वाले परिवर्तन जो हैं वो दो प्रकार से होते हैं या दो कारण से होते हैं। एक तो होते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में, यानी कि उसकी संरचना जो है वही चेंज हो जाए। एक परिवर्तन होता है उसके किसमें, नंबर में। तो पहले अपन बात करेंगे यदि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले मैं पेपर का नाम लिख देती हूँ, सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट, और अपना पेपर है फर्स्ट। इसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स की बात अपन कर रहे थे तो अभी मैंने आपको समझाया कि क्रोमोसोम्स को दो टाइप में जो है बांटा जा सकता है। एक तो बांटा जा सकता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पे और एक बांट सकते हैं उनके संख्या के आधार पे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के आधार पर। एक तो इनको बांटा जाता है वेरिएशन ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, वेरिएशन इन क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, और एक डिवाइड करते हैं नंबर टू, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको दो में डिवाइड कर दिया जाता है। एक कर दिया जाता है किसके बेस पे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेस पे, और दूसरा डिवाइड कर दिया जाता है क्रोमोसोम्स की संख्या के बेस पे। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, हिंदी में हम इसको लिखेंगे गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, गुणसूत्र संरचना में परिवर्तन। और इसको हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन। दोनों चीज़ अलग हैं, एक में संरचना में परिवर्तन है और दूसरा है उसकी संख्या में परिवर्तन।
आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर कि जब इसकी संरचना में परिवर्तन अगर होता है तो वो किस प्रकार से होता है। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक साथ एक पेयर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर सबको? ये चीज़ आपने 9th में, 10th में, 11th, 12th में भी पढ़ी है कि क्रोमोसोम हमेशा किसके रूप में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े के रूप में, पेयर के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये पूरी क्रिया यानी कि संरचना में परिवर्तन है वो एक ही क्रोमोसोम में हो तब तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज। तब हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज। तो इसको मैं लिख देती हूँ नंबर ए, इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज। नंबर डाल देती हूँ मैं इसको ए और नाम दे देती हूँ इंट्रा क्रोमोसोमल चेंज। किसमें हुआ? एक ही गुणसूत्र में परिवर्तन हो, और दूसरा होता है इंटर क्रोमोसोमल चेंज। इंटर क्रोमोसोमल चेंज एक होता है एक गुणसूत्रीय परिवर्तन, और वो होते हैं एक से ज़्यादा अंतस्थ गुणसूत्रीय परिवर्तन। अब सिंपल सी बात है, कितने गुणसूत्र होंगे इसके अंदर? केवल एक गुणसूत्र होगा। जैसे मैंने ये बना दिया एक गुणसूत्र, ये इसका दूसरा गुणसूत्र बना दिया, ये तो पूरा पेयर है। ये परिवर्तन किसमें हो? इंट्रा हो, एक ही गुणसूत्र में। इसका मतलब ये पूरा पेयर है। तो इस एक की बात करते हैं हम, ये पूरा परिवर्तन किसमें हो? इस एक गुणसूत्र में हो तब हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज। और इसमें क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस चेंजेज होते हैं। यानी इंटर आ गया, इसका मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, और उन एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। अब सिंपल सी बात है, एक जो क्रोमोसोम है इसके अंदर ये पेयर के रूप में प्रेजेंट है, तो जब ये पेयर के रूप में प्रेजेंट है तब तो ये क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। लेकिन जब एक से ज़्यादा हैं इसका मतलब क्या होंगे, वो नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। एक तो इसके अंदर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, और एक इसके अंदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हम इस रूप में कहें कि जो इंटर क्रोमोसोमल चेंजेज होते हैं वो तो होते हैं तीन प्रकार के, और जो इंटर क्रोमोसोमल चेंजेज होते हैं वो होता है एक प्रकार का। तो हम इसको आगे और डिवाइड कर लेते हैं कि ये जो इंटर सेलुलर क्रोमोसोम होते हैं, ये इंटर क्रोमोसोमल की जगह इंट्रा, ये जो इंट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको तीन में डिवाइड कर दिया जाता है इस इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज को, क्योंकि सारे परिवर्तन किस में होंगे, होमोलोगस में होंगे, यानी कि पूरे एक ही पेयर में चेंजेज होंगे। तो जब ये एक ही पेयर के अंदर चेंजेज होते हैं तो ये होते हैं तीन प्रकार के। कैसे? एक होते हैं इसके अंदर डिलीशन, एक होते हैं डुप्लीकेशन, और एक होते हैं इन्वर्जन। तो इसको हम तीन में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है डिलीशन, डिलीशन यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन। इसको मैं स्मॉल ए नंबर डाल देती हूँ। एक होते हैं विलोपन और एक डिलीशन, एक होते हैं
रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन, डिलीशन, डुप्लीकेशन और एक होते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन, प्रतिलोपन, इसको क्या कहते हैं प्रतिलोपन, ये प्रतिलोमन। एक होता है डिलीशन यानी नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, डुप्लीकेट डबल हो जाएगा, और इन्वर्जन प्रतिलोमन हो जाएगा मतलब घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। कितने डिग्री पर हमें याद ये रखना है कि 180 डिग्री के ऊपर क्या कर जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा, ये द्विगुणन कर जाएगा और इसमें विलुप्त हो जाएगा। ये तो आते हैं ये टाइप्स, और जो लास्ट बचता है कौन सा, इंटर क्रोमोसोमल चेंजेज। ये इंटर क्रोमोसोमल चेंजेज एक टाइप का होता है, इसको मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ डी टाइप, क्योंकि हम इसी के साथ इसको पढ़ेंगे, तो इसमें मैंने नंबर डाल दिया डी। और ये होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। तो इसमें मेन रूप से इसको चार में डिवाइड कर दिया जाता है, ये चारों है तो क्या क्रोमोसोमल वेरिएशन, किसके बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे ये क्रोमोसोमल वेरिएशन है, स्ट्रक्चर के बेस पे इनके अंदर ये क्रोमोसोमल वेरिएशन माना जाता है कि इनकी संरचना के अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो इस प्रकार से होता है कि जो संरचना है वो परिवर्तित अगर होती है तो दो प्रकार के चेंजेज होते हैं, या तो पूरे एक होमोलोगस पेयर में चेंजेज हो या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में चेंज हो यानी कि नॉन होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट हो। अगर वो होमोलोगस पेयर में होता है तो वो इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज होता है, और अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोमल चेंजेज होते हैं तो वो इंटर क्रोमोसोमल चेंजेज होते हैं। तो जो इंट्रा क्रोमोसोमल चेंजेज होते हैं, होमोलोगस जो चेंजेज होते हैं, ये होमोलोगस चेंजेज जो हैं वो एक ही होमोलोगस पेयर में होने के कारण इनको हम तीन में अलग से डिवाइड कर देते हैं, जिनमें से एक होता है उसका डिलीशन यानी कि उसका विलोपन, एक होता है उसका डुप्लीकेशन, और एक होता है उसका इन्वर्जन, और एक होता है उसका ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफ़र होना उसका, यानी कि स्थानांतरण कहते हैं इसको हिंदी में, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, स्थानांतरण। अब अपन इनको डिटेल से देखते हैं बहुत अच्छे से कि डिलीशन का मतलब क्या होता है। तो अपन पहले फर्स्ट की ही बात कर लेते हैं, इसी फर्स्ट की बात कर लेते हैं कि डिलीशन जो है वो क्या हो? नाम है विलोपन। अब इसको डेफिनेशन के रूप में हम क्या कहेंगे, जब किसी एक होमोलोगस क्रोमोसोम में किसी भी कारण से वातावरणीय परिवर्तन होने से उसके क्रोमोसोम का कुछ भाग टूटकर अलग हो जाए या वो विलुप्त हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, डिलीशन कहेंगे। तो डेफिनेशन के रूप में क्या लिखेंगे, जब समयुग्मजी होमोलोगस, जब समयुग्मजी गुणसूत्र में से कुछ भाग टूटकर, जब होमोलोगस गुणसूत्र से कुछ भाग टूटकर अलग हो जाए तो उसे तो उसे डिलीशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, हम डिलीशन कहते हैं। पॉइंट हमें यही ध्यान रखना है, गुणसूत्र में से कुछ भाग टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब कुछ भाग टूटा तो जो टूटा वो कहाँ से टूटा, सेंटर पार्ट से टूटा या टिप पार्ट से टूटा, तो उसके आधार पर डिलीशन क्या होता है,
दो प्रकार का डिलीशन होता है कि टिप पार्ट से टूटा या उसके इंटरटेंशनल पार्ट से वो टूटा। तो इसके बेस पे इसके दो टाइप हैं, तो इसको यहीं से लिख देती हूँ मैं, डिलीशन टाइप। एक को बोलते हैं टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ, शीर्षस्थ टर्मिनल पार्ट से टूटा या उसके इंटेस्टिनल पार्ट से टूटा। इंटेस्टाइनल पार्ट अंतस्थ भाग से या फिर उसके अंतस्थ भाग से उसका वो टूटा है। अगर वह, जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाऊं कि एक है टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट से टूटा, जैसे मैंने ये बनाया एक क्रोमोसोम, ये इसका दूसरा पार्ट, ये मैंने इस पे नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 8। इस टर्मिनल पार्ट से ये पार्ट टूट करके क्या हो गया, डिलीट। अब जो ये तो था नॉर्मल क्रोमोसोम, अब इसमें से क्या हो गया, डिलीशन हो गया। तो डिलीशन होने के बाद में जो क्रोमोसोम बचेगा उस पे नंबर क्या बचेगा, 3 और 4 5 6 7 और 8। तो कौन सा पार्ट टूटा, टर्मिनल पार्ट टूटा। तो उसमें ये सेंटर पार्ट जो है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ, मतलब इसके सेंटर पार्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो इसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ डिलीशन। शीर्षस्थ डिलीशन होने से क्या होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब आता है इंटेस्टिनल, अंतस्थ पार्ट पे ऊपर अगर ये टूटता है तो अपन इसको डायग्राम के द्वारा शो करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर डिलीशन जब होता है तो वो टूटता है। जैसे मैंने ये बनाया एक नॉर्मल क्रोमोसोम, ये मैंने इस पे नंबरिंग की 5 6 7 और 8। अब आता है इसके ऊपर डिलीशन पार्ट, कौन सा, इंटरनल। जैसे इंटेस्टिनल वो हुआ और उसके कारण ये 5 और 6 नंबर का डिलीशन हो जाता है। जैसे मैंने ये बनाया कि ये तो क्या है, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। जैसे ये मैंने बनाया एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम के कारण ये नंबर टूट गया। इस नंबर के टूटने से अब जो क्रोमोसोम बनेगा वो ये बनेगा, ये तो हुआ 1 2 3 4 पॉजिटिव रहेंगे, 5 और 6 हट गया तो क्या आ गया, 7 और 8 आ गया। तो ये कौन सा हो गया, इंटेस्टाइनल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो इस तरीके से जो है ये क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हमें दिखाई देता है। ये तो हुआ इसका डिलीशन पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अपन इसमें बात करते हैं, नंबर बी पार्ट की, डुप्लीकेशन, द्विगुणन। अब इसमें अपन बात करेंगे किसकी, द्विगुणन की। नाम से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, गुणसूत्र का कुछ भाग नॉर्मल गुणसूत्र की तुलना में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। नॉर्मल गुणसूत्र की तुलना में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अपन इसको एक बार डायग्राम की सहायता से समझते हैं। सपोज करो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये मैंने इस पे नंबर डाल दिए और ये है 8। ओके, ये है एक नॉर्मल क्रोमोसोम,
जैसे ही इसके ऊपर क्या होगा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन होने का मतलब है डबल हो जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर डुप्लीकेशन होगा तो ये बनाया मैंने एक क्रोमोसोम और ये बनाया मैंने दूसरा क्रोमोसोम। डुप्लीकेट होते 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो डुप्लीकेट बना वो किस फॉर्म में बना, तो जो डुप्लीकेशन है उसके हम बहुत सारे टाइप देखेंगे कि ये डुप्लीकेट इसी सीरियल में बना या इसके अपोजिट इसकी टेंडेंसी होती है या फिर ये रोटेट करके टेंडेंसी लेता है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं पर होगा वो डबल डुप्लीकेट होगा। तो डुप्लीकेट के 4 टाइप होते हैं कि वो टेंड्रिल टाइप्स का होता है यानी कि टेंड्रिल फॉर्म में बनता है या टेंडम फॉर्म में बनता है या सेम आर्म पे बनता है या डिफरेंट आर्म में बनता है या वो आर्म क्या करती है रिवर्स हो जाती है। तो उसके बेस पेज के अंदर खूब सारे इसके टाइप हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर डिलीशन हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, अब अपन बात करते हैं इन्वर्जन। नेक्स्ट नंबर सी पॉइंट इन्वर्जन विलोपन, सॉरी प्रतिलोमन, प्रतिलोमित हो जाता है। प्रतिलोमन का मतलब है रोटेट कर जाएगा, घूम जाएगा, वो कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर घूम जाएगा और फिर वापस उसी के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ये मैंने क्रोमोसोम नंबर डाले 5, 6, 7 और 8। अगर ये रोटेट हो जाता है, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट दिखाऊँ कि ये वाला पार्ट तो एज इट इज़ रह गया लेकिन ये पार्ट इस तरीके से घूम के और यूँ चला गया यूँ, तो जो एक नंबर था वो यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, 5, 6, 7 और 8। जब इसको नॉर्मल साइज से, ये तो हुई नॉर्मल साइज, अब इसके अंदर जैसे ही इन्वर्जन होता है तो इस इन्वर्जन के कारण ये जो क्रोमोसोमल वेरिएशन बनता है वो इस तरीके से आ जाएगा, एक के बाद में 4, 1, फिर टूटा, टूटने के बाद में ये चला गया 3, इसके अंदर आएगा ये 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 5, 6, 7 और 8, इस पोजीशन में वो आ जाता है। ट्रांसलोकेशन में तो क्या कर जाता है, वो स्थानांतरण ही कर जाता है, स्थानांतरित ही हो जाता है। अब हम आपको इसको बहुत अच्छे से एक बार एक डायग्राम से, ये तो मैंने अपने डायग्राम बना के दिखाए, एक बार आपको कंपेरेटिव डायग्राम से इसको बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि कंपेरेटिव डायग्राम में भी इसके अंदर डुप्लीकेशन जो है वो पाया जाता है कि किस तरीके से जो है इसके अंदर डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है और उस डुप्लीकेशन की प्रक्रिया के द्वारा ये अपने टाइप्स में बनते हैं। ये अपन ओपन करते हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर, ये देखिए डायग्राम से आपको चारों का कंपेरेटिव समझाती हूँ कि जब ये चारों अपना वो करते हैं, इसको आप ध्यान से समझोगे। मैंने जैसे ये एक क्रोमोसोम लिया जिसके ऊपर नंबर हैं कौन से, ए बी सी डी ई एफ, टोटल नंबर है 7। अगर इसके अंदर सबसे पहले डिलीशन को समझ लेते हैं अपन, डिलीशन मतलब विलुप्त होगा। जैसे ये तो नॉर्मल था, नॉर्मल क्रोमोसोम है, जैसे इसमें डिलीशन होगा इसका मतलब डिलीट होगा, एक क्रोमोसोम डिलीट, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन थे वो डिलीट हो गया। जैसे इसके अंदर सी क्रोमोसोम का जो जीन था वो डिलीट हो गया, तो बचा क्या, ए बी डी ई एफ, तो डिलीट क्या हो गया इसके अंदर, सी डिलीट हो गया।
तो हम इसको क्या कहेंगे, डिलीशन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डुप्लीकेशन, मतलब किसी का डबल होना। जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो है ए बी सी डी ई एफ, डुप्लीकेट हुआ तो कोई एक जीन या दो जीन क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर डुप्लीकेशन के बाद में क्या बचता है, ए बी सी डी डी ई एफ, इसका मतलब इस डी का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, डबल हो गया ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इन्वेशन। इन्वेशन में क्या होता है कि इन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि आगे के पीछे, पीछे के आगे हो जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। जैसे नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसके अंदर है ए बी सी डी ई और एफ, जैसे ही उसके अंदर इन्वर्जन हुआ तो उस इन्वर्जन के कारण क्या बन गया, ए बी या सी आना चाहिए था, अब क्या लग गया यहाँ पे, ई लग गया, फिर डी फिर ई, अब डी फिर सी फिर यहाँ एफ आ गया। इसका मतलब ये इन्वर्जन किसके बीच में हुआ, इसके बीच में हुआ कि जो पहले इधर सी डी और ई था ये कितने डिग्री पर घूम गया, 180 डिग्री पर घूम गया। हमें याद ये बात रखनी है कि इन्वर्जन की जो क्रिया होती है, जो प्रतिलोमन की क्रिया होती है, वो कितने डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर होती है। 180 डिग्री पर होने जो सी डी ई इस सेक्वेंस में प्रेजेंट था, अब वो कौन सी सेक्वेंस में चला जाता है, डी सॉरी ई डी और सी की सेक्वेंस में आ जाता है, तो उसको क्या कह देते हैं, इन्वर्जन। एक होता है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब क्या होता है, इंसर्ट हो जाएगा ऐसा नया क्रोमोसोम का जीन आ जाएगा जो उस नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर था ही नहीं। जैसे नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर जीन है ए बी सी डी ई एफ, अब जैसे इसके अंदर इंसर्शन होता है तो इंसर्शन के बाद में ये जो एल है वो एक्स्ट्रा इनपुट हो गया, ए बी सी डी ई एफ तो है ही है, डी और ई दोनों के बीच में किसने, एल जो है वो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, इंसर्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन, रूपांतरण या स्थानांतरण। स्थानांतरण की क्रिया के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, दो क्रोमोसोम होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए ये मैंने आपको अभी समझाया था, दोनों क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए, नॉन होमोलोगस, कैसे होने चाहिए, नॉन होमोलोगस होने चाहिए, ये सबसे बात इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर दो क्रोमोसोम की आवश्यकता हो, लेकिन जीन जो है वो एक से ज़्यादा का होना ज़रूरी होता है। लेकिन इंसर्शन के अंदर सॉरी ट्रांसलेशन लोकेशन के अंदर कितने क्रोमोसोम की आवश्यकता होगी, दो की होगी, और वो भी दोनों होमोलोगस नहीं होने चाहिए, नॉन होमोलोगस होने चाहिए, यानी कि हेट्रोलोगस पोजीशन में होने चाहिए। अब जैसे हेट्रोलोगस पोजीशन के अंदर हमने लिए कौन कौन से, एक क्रोमोसोम तो लिया जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट थे ए बी सी डी ई एफ, और दूसरा जो लिया उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, एल एम एन ओ पी क्यू। जैसे ही इसके अंदर ट्रांसलोकेशन की क्रिया हुई तो ट्रांसलोकेशन के कारण ये क्रोमोसोम इस जगह से क्या हो गए, कट हो गए। कट होते ही जो नीचे वाला क्रोमोसोम था उसके जीन ऊपर वाले क्रोमोसोम से बाइंड अप हो गए, और जो ऊपर वाला क्रोमोसोम था उसके जीन नीचे वाले से बाइंड अप हो गए, और क्या बन गया, ए बी सी जो तो नॉर्मल था लेकिन उसके साथ अब क्या जुड़ गया, ओ पी और क्यू अटैच हो गया, और जो दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम था जो एल एम एन ओ पी क्यू के रूप में था उसके साथ क्या हो गया, एल एम एन तो एज इट इज़ रह गया, और जो ऊपर से जो डिलीट हुआ था, जो नीचे की तरफ ट्रांसलेट हुआ था ट्रांसलोकेशन की क्रिया के द्वारा, डी ई और एफ ये कहाँ हो गए, नीचे की तरफ आ गए। तो अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर किस प्रकार से जो है एक इन्वर्जन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से एक डिलीशन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से एक डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से एक इंसर्शन होता है, और किस तरीके से एक ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।